Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel Jhatpat Recipes by Noor. जिसमें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी अम्मी की एक स्पेशल ईद डेजर्ट रेसिपी जिसके हैं सिर्फ सिंपल से 4 steps एंड वी कॉल इट लबी शबी. साउंड्स फनी राइट? तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं. सबसे पहले आपको चाहिए 1 लीटर दूध. मैं ऑल पर्पज़ का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आपको चाहिए 1 पैक क्रीम. क्रीम भी मैं यहाँ ऑल पर्पज़ की यूज़ कर रही हूँ. कोशिश करें कि आप पैक वाली क्रीम ही यूज़ करें वरना इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा. इसके बाद आपको चाहिए तकरीबन 1/2 कप चीनी और इसके बाद आपने तकरीबन ले लेना है 2 से 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर. मैं यहाँ मैंगो फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ. और आपको चाहिए कलर्ड सेवैयाँ, इजीली मिल जाती हैं किसी भी शॉप से. और उसके बाद आपका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इलायची पाउडर. तकरीबन 1 टीस्पून इलायची पाउडर चाहिए. आप साबुत इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें ओरियो बिस्किट के मेरे पास छोटे वाले 4 पैकेट हैं. ये टोटली ऑप्शनल है, आपको नहीं ऐड करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. और लास्ट इंग्रेडिएंट है मेरे पास रफान जेली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो step 1 में आपने रेडी करनी है पहले तो जेली. और जेली बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी, जो कि हमारे घर में छोटी प्याली इस्तेमाल होती है ना चाय वाली, वो लेनी है. 2 छोटी प्याली भर के पानी डाल देना है. इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया है, मैं दूसरा शामिल करूँगी. तो 2 कप भी मैंने पानी का डाल दिया. मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इतनी एक प्याली होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा बड़ी नहीं. तो अब पानी गर्म हो चुका है और इसमें मैं जेली क्रिस्टल्स का पैक शामिल कर दूँगी. इसको मिक्स करते जाना है आपने साथ साथ, ताकि ये इकट्ठा सा ना हो और अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए. और इसको तब तक पकाना है जब तक इसके क्रिस्टल्स अच्छे से पानी में डिज़ोल्व नहीं हो जाते, वरना आपकी जेली सही नहीं बनेगी. ये बहुत ही आसान तरीका है जेली बनाने का, आपको कोई मुश्किल प्रोसीजर से गुजरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. तो अब ये अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है और मैं इसको एक बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से जम जाए. मेरी रेड जेली तैयार हो चुकी है और सेम प्रोसीजर से मैंने एक ग्रीन जेली भी तैयार कर ली. तो अब मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी. इसके बाद हम step 2 की तरफ चलते हैं कस्टर्ड बनाने के लिए. तो आपने 1 लीटर दूध को गर्म कर लेना है और उसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल कर देना है. तो इलायची पाउडर को शामिल करने के बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध में और उसे थोड़ा सा और गर्म होने देना है. तो जब दूध थोड़ा और गर्म हो जाए तो आपने अपना सेकेंड इन्ग्रीडियंट डालना है, जो कि है 1/2 कप चीनी. तो इसमें आप 1/2 कप चीनी शामिल कर देंगे और उसको अगेन थोड़ा मिक्स करके बॉईल होने देंगे. जब दूध थोड़ा बॉईल होने पे आ जाए तो आपने उसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देना है. थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है क्योंकि हमें कस्टर्ड बहुत थिक नहीं चाहिए. तो कस्टर्ड पाउडर ख्याल रखें कि आप ज़्यादा ऐड ना करें, वरना आपका डिज़र्ट थिक हो जाएगा और वो उस तरह से नहीं बन सकेगा. तो यहाँ पे मेरा कस्टर्ड तैयार हो चुका है, मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी. और चलते हैं step 3 की तरफ, जो कि है मिक्सिंग. तो आपने कस्टर्ड को बाउल में निकालने के बाद कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर वो लेयर सी ना बने. तो जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, साथ में मैं सेवैयों को बॉयल करने के लिए रख दूँगी. इसके साथ साथ मैं कस्टर्ड में 1 पैक क्रीम का शामिल करने वाली हूँ. एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब आप क्रीम मिक्स कर रहे हैं तो आपका कस्टर्ड ज़्यादा ठंडा ना हो, वरना क्रीम अच्छे से मिक्स नहीं होगी. तो क्रीम कस्टर्ड में अच्छे से मिक्स हो गई है और अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ ओरियो बिस्किट. मैंने यहाँ 6 ओरियो बिस्किट्स लिए हैं, आप जितने चाहें इसमें शामिल कर सकते हैं. और अगर आपको नहीं पसंद तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये ओरियो बिस्किट्स के साथ और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है, तो इसको आप ज़रूर शामिल करें. 1 by 1 मैंने सारे बिस्किट्स तोड़कर कस्टर्ड में शामिल कर लिए हैं और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी. और यहाँ आप कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि आपने इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना. इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी कलर्ड सेवैयाँ, जो कि मैंने बॉईल करके रखी हुई हैं. ये मेरे पास तकरीबन 1 कप के आसपास थी, तो मैंने तो थोड़ी ज़्यादा ऐड की हैं क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा सेवैयाँ बहुत पसंद हैं. आप चाहें तो आप 1/2 कप ऐड कर लें. तो इसे मिक्स करने के बाद हम बढ़ेंगे अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है असेंबलिंग.
तो सबसे पहले मैं जेली को छोटे छोटे पीसेस में बिल्कुल काट लूँगी। और आप देख सकते हैं इसी तरह से आपने इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काटना है, क्योंकि हमने ऊपर से इसकी डेकोरेशन करनी है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हमारी जेली कितनी अच्छी तैयार हुई है, बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ। और इसके बाद सेम ही तरीके से आपने ग्रीन वाली जेली को भी बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। अब मैं इसकी सेटिंग ग्लास में कर रही हूँ, आप चाहें किसी बोल में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें जो ऐड करने लगी हूँ वो है ओरियो बिस्किट। मैंने नीचे एक पूरी ओरियो बिस्किट की लेयर लगाई है, उसके ऊपर मैं डाल दूँगी कस्टर्ड, और फिर मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ग्रीन जेली, और इसके बाद थोड़ा सा और कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देंगे, और एंड में हम डालेंगे रेड जेली अपनी। और इसके ऊपर जो है मैंने थोड़ी सी सेवियाँ जो कि मैंने रख ली थी साइड पे वो डाल दी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं इसके ऊपर एक ओरियो बिस्किट लगा दूंगी। ये मेरी सेटिंग का तरीका है, आप जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बोल को भी डेकोरेट कर रही हूँ, जिसमें पहले मैंने ओरियो बिस्किट लगा दी और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी सेवियाँ डाल रही हूँ, और अब इसके बाद मैं इस पर ग्रीन जेली ऐड करते जा रही हूँ। आप जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं, कि मुझे ये इस तरह से बहुत पसंद है। ग्रीन जेलीज के बाद मैं इस पर डाल रही हूँ रेड जेलीज, और इसके बाद मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी एक ओरियो बिस्किट ऑन टॉप। एंड अवर लवली शबी इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। इस चीज पर आप इसे ज़रूर ट्राई करें, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।